गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनगणना, उसी से रिलेटेड देखते हैं, है ना। उसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो चुका था। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो भारत के जो शीर्ष जनगणना जनसंख्या वाले जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारत के शीर्ष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? भारत के शीर्ष जनसंख्या जिले नहीं, राज्य, शीर्ष जनसंख्या राज्य ये कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें तो पहला है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर पॉपुलेशन देखोगे तो 20 करोड़ है। 20 करोड़ इतनी ज्यादा होती है कि कहीं ज्यादा, बहुत सारे जो देश है उनसे भी ज्यादा है 20 करोड़, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 11.5 करोड़, 11.23 करोड़। थर्ड नंबर पे आता है बिहार, बिहार की 10.5 करोड़ के आसपास, 10.40 करोड़, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो दीदी ना, ममता दीदी वाला, तो ये है फोर्थ नंबर पे। ये कितना है? तो 9.12 करोड़। और फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो आंध्रा, आंध्रा की जो पॉपुलेशन है वो 8.45 करोड़ है। और सिक्स नंबर पे मध्य प्रदेश ही आ जाता है, और मध्य प्रदेश, और इसकी जनसंख्या है 7.26 करोड़। तो आपको यही याद रखना। सातवां नंबर भी आप रखना चाहो तो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु, बस की कितनी है? 7.21 करोड़। तो पहला अगर आप देखोगे तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 20 करोड़ है ना, 20 करोड़। फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, थर्ड पश्चिम बंगाल है, आंध्रा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। मैप में भी देख सकते हैं इसको, मैप में भी एक सीक्वेंस है, हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे एक सेकंड, चलो मैप में ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे। ओके सेकंड, मैप के बारे में भी देख ही लेते हैं हम लोग। ओके ओके, ये गलत मैप है, ठीक है। मैप में भी आपको दिखा देता हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे दिखते हैं ये लोग। ओके, तो ये हमारा मैप है ना, इसको मैप को भी देख लेते हैं। तो ये है मैप, तो ये जो है पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा कहाँ की है? यूपी, ये है यूपी, ठीक है, यूपी की सबसे ज्यादा है ना। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो महाराष्ट्र, ये है फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, महाराष्ट्र। थर्ड पे दिखता है बिहार, ये है बिहार, मतलब वहीं पास पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिहार। फोर्थ नंबर है पश्चिम बंगाल, ये हो गया पश्चिम बंगाल। फिफ्थ नंबर पे आंध्रा, आंध्र प्रदेश। सिक्स नंबर पे तो अपना महाराष्ट्र ही आ जाता है, मध्य प्रदेश। और सातवें नंबर पे तमिलनाडु। तो ये हम देख सकते हैं इसमें, तो ये हमारी पॉपुलेशन होती है। ओके अच्छा, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सिर्फ 6.10 लाख, तो मतलब 6 लाख, 6 लाख जो है पॉपुलेशन वो सिक्किम में। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की कितनी है? तो इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना, 6.4 लाख, 40 लाख, तो ये लक्षद्वीप की। तो सिक्किम कहाँ पे दिखता है? ये सिक्किम है और लक्षद्वीप इस तरफ दिखता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगी आपकी मिनिमम पॉपुलेशन। तो मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है? तो सिक्किम की है मिनिमम पॉपुलेशन सबसे कम, और उससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा है लक्षद्वीप की, ठीक है। ओके, अब हम भारत का मध्य प्रदेश के साथ कंपैरिजन देखते हैं, मध्य प्रदेश और भारत का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन देखें। अच्छा एक बार वीडियो से पॉज हो गया। ओके, तो यहां से अगर कंपैरिजन करके देखें तो इंडिया की जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन देखें। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितना है? ये सब 2011 के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2011। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809, ये होती है टोटल, मतलब 121 करोड़ इसकी 7.26 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो पुरुष होते हैं ना, 7 करोड़ में, 7 करोड़ में जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है? 3.76 करोड़,
और जो महिला जनसंख्या है वो कितनी है, 3.49 करोड़, ये हमारी महिला जनसंख्या है। इस 121 करोड़ में अगर हम बात करें तो 53 करोड़ पुरुष जनसंख्या है और बाकी जो 49 करोड़ है वो महिला जनसंख्या है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात, लिंगानुपात अगर आप देखोगे तो लिंगानुपात इसका दिखता है भारत का 900/943, मतलब 1,000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। और अगर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देखें तो 931 है, मतलब 1,000 पुरुषों पे 931 महिलाएं। ठीक है, तो ये लिंगानुपात हो गया। जनसंख्या घनत्व की भी बात कर लें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें तो कितना मिलता है, 236, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, दश की वृद्धि दर की बात करें तो दश की वृद्धि दर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है भारत, पूरे भारत में, भारत में हुई 17.7% कितना वृद्धि हुई, 2001 से 2011 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो 7.7% हुई। और मध्य प्रदेश में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो 20.30%, मतलब जो भी 2001 में थी उससे ज्यादा हो जाएगी, 20.30% इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, जो हमारी टोटल भारत की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है, तो जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है, 17.5% है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट फर्स्ट वाले वीडियो में, तो आप देखोगे तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17.5% अब सिर्फ भारत में रहता है, ये भी याद रखना है, जनसंख्या घनत्व हो रही है सब चीजें। और अगर साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता है 73% और मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो ये आ जाएगा 69.2% साक्षरता। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है ये पूरे भारत की, देश की मतलब भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो अगर परसेंटेज वाइज निकालोगे तो 6% आती है, तो 6% है, मतलब अगर जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का टोटल परसेंट, उसका कितना परसेंट मध्य प्रदेश में रहता है, तो 6% जो है वो मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, अपने से अलग हुआ है, तो 2.11%, 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ की है, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ है ना। ठीक है, अच्छा, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, जो न्यूनतम साक्षर जिला, मध्य प्रदेश न्यूनतम साक्षर जिला, न्यूनतम साक्षर जिला, तो ये मध्य प्रदेश का ही नहीं है, देश का भी सबसे न्यूनतम साक्षर जिला है, कौन सा नाम है इसका, अलीराजपुर। क्या नाम है, अलीराजपुर है, भील ट्राइब्स रहती है यहाँ पर ज्यादातर। और इसकी साक्षरता अगर आप देखोगे तो 37.22%, बहुत कम दिखाई दे रही है, मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश का साक्षर मिनिमम साक्षर जिला नहीं है, पूरे भारत का मिनिमम साक्षर जिला है, और इसकी साक्षरता देखोगे तो 37.22% है। ठीक है, कुछ लिंगानुपात की बात करते हैं हम लोग, तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला हम बात करें तो ये हमारा होता है हरियाणा। हरियाणा जो है जाट लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे, है ना, तो हरियाणा की जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कितना है, 879 है, मतलब 1,000 महिलाओं पर कितनी है? पुरुष है 870, सॉरी 1,000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, तो लिंगानुपात बहुत कम है। सेकंड नंबर पे की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात कितना है, तो 890 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है बस। ठीक है, तो 890 है, मतलब 1,000 पुरुषों पर 890 महिलाएं, 890 महिलाएं। ठीक है, ये तो हमने राज्य की बात करी, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला होता है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ठीक है, तो इसका लिंगानुपात है 618, मतलब 1,000 पुरुषों की भी बात करें तो दमन एंड दीव में कितनी महिलाएं हैं, 618 महिलाएं सिर्फ दमन द्वीप पे। दूसरा हम बात करें दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, तो इसमें कितना है, 774, 1,000 पुरुषों पे 774 महिलाएं मात्र। तो आप याद रखना, सबसे कम लिंगानुपात राज्य की बात करें तो हरियाणा जम्मू कश्मीर, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन एंड दीव, और फिर दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, गुजरात के पास है।
अच्छा, ये जो सर्वेक्षण हुआ था इसमें कितने जिलों को कंसीडर किया था? 2011 में ये जो आपका रिपोर्ट आया है इसमें कितने जिलों को कंसीडर किया था? तो 640 जिलों को कंसीडर किया गया था। तहसील कितनी थी इसमें? 5924 तहसील थी ना, ये याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। इतना 800 640 जिले हैं, तहसील इतनी है। अच्छा, न्यूनतम साक्षर जिले की बात कर लेते हैं। न्यूनतम साक्षर जिला तो अभी बता दिया मैंने ऑलरेडी, वैसे तो मध्य प्रदेश का बताया था तभी बता दिया था कि देश का भी न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, ये अलीराजपुर है ना, मध्य प्रदेश में है ये, 36.1% मध्य प्रदेश में। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो बीजापुर है, इसका थोड़ा सा साक्षरता अच्छा है, थोड़ा सा ही है ना, तो ये 41.48%। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है, और ये आपका मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षर जिले है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, अलीराजपुर और बीजापुर। तो सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षर जिले, तो सर्वाधिक साक्षर जिलों की अगर हम बात करें तो ये हमारा सरचिप, पहला है तो सरचिप, ठीक है, कहाँ पे? मिजोरम में। और इसकी साक्षरता कितनी है? 98.76% सरचिप। दूसरा है आइजोल, ठीक है, आइजोल, इसकी साक्षरता भी कितनी है? 98.50%। मतलब ये सर्वाधिक साक्षर जिले हैं, एक तो है पहला सरचिप और दूसरा है आइजोल, ठीक है। और न्यूनतम साक्षर जिले कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये अलीराजपुर और बीजापुर है, ठीक है। अच्छा, ये जो 10 की विधि है, मतलब जनसंख्या, हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कौन से जिले में है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे बड़े जिले हैं जनसंख्या वाइज, है ना, जनसंख्या वाइज सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं जनसंख्या वाइज? तो पहला हो गया इंदौर, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो इंदौर में है, ठीक है। फिर कौन सा है सेकंड नंबर पे? तो जनसंख्या जबलपुर में, तो इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या सेकंड नंबर पे जबलपुर है। थर्ड नंबर पे सागर, फोर्थ नंबर पे भोपाल, भोपाल, और फिफ्थ नंबर भी हम देख सकते हैं तो रीवा आ जाता है। तो ये इतना याद नहीं रखने का, मेनली आपको पहला और दूसरा याद रखना है कि इंदौर जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे इंदौर में, मतलब जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा? इंदौर है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले जनसंख्या वाइज, और सबसे छोटे जिले की बात करें जनसंख्या वाइज सबसे छोटे जिले, तो ये हो जाएगा हमारा पहला, तो हो जाएगा निवाड़ी। निवाड़ी जैसे इससे पहले हरदा था है ना, लेकिन जब से 52वां जिला बन गया आपका निवाड़ी, तो निवाड़ी जो है जनसंख्या वाइज सबसे छोटा जिला है। सेकंड नंबर पे वही है हरदा, ठीक है। थर्ड नंबर पे उमरिया, फोर्थ नंबर पे श्योपुर, और फिफ्थ नंबर पे डिंडोरी। कुछ सारे याद नहीं रखना है, पहला और दूसरा याद रखना है, निवाड़ी और हरदा, और याद भी रहेगा क्योंकि हरदा पहले था और अब निवाड़ी बनने के बाद वो सेकंड नंबर पे आ गया, और इंदर जबलपुर ये फर्स्ट सेकंड पे है। और 2011 की जो जनगणना थी वो बता ही चुके हैं कि भारत की जो थी वो 15वें नंबर की थी, और स्वतंत्र भारत की 6ठे नंबर की जनसंख्या थी, और जो उसके महानिदेशक थे है ना, जनगणना महानिदेशक, वो श्री चंद्रमौली जी थे, ठीक है। लिंगानुपात हमें भारत का पता ही है कितना है, भारत का लिंगानुपात दिखाया क्या अभी? नहीं बताया, चाहिए लिखा है था ना अभी, भारत का लिंग अनुपात, तो भारत का लिंग अनुपात है 900 943 है ना, और मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो 931 है ना। अच्छा, जनसंख्या घनत्व भी देख लिया, 236 है हमारा। और एक और चीज है, ये जो जनगणना होती है ये किसका विषय, केंद्र का या राज्य का विषय? तो ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या कौन कराएगा, ये तो केंद्र के अंडर में आती है, तो कौन से आर्टिकल में ये? तो जो आर्टिकल है 246, आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246, इसमें उल्लेख किया गया है कि जनगणना जो है वो संघ का विषय है, जनगणना संघ का विषय, और आर्टिकल 246 में दिया गया है। और ये जो हम जनगणना करते हैं ये कौन से अधिनियम के थ्रू करते हैं? तो जनगणना जो हम करते हैं वो जनगणना अधिनियम 1948 के थ्रू करते हैं, ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 के थ्रू हम करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और चीज है, मैंने शिशु लिंग अनुपात नहीं बताया, शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है,
मतलब 918 बालिकाएं जो होती है, 1000 पुरुषों पर 918 बालिकाएं है ना, मतलब 1000 जो बच्चे होते हैं, 1000 मतलब मेल बच्चे, तो उनमें जो 918 है वो फीमेल होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो एक ज्यादा है, 919 है। कितना है इंडिया का? 919 है। साक्षरता दर अगर हम बात करें, साक्षरता दर मध्य प्रदेश की वैसे तो बता दिया है, बट 69.2% है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। ओके, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो बता ही दिया है, इंदौर है ना। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा, तो ये निवाड़ी है ना, 931 हमारी लिंगानुपात है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात जिले, लिंगानुपात जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, इनमें एमपी, एमपी की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला है, पहला है बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात बहुत अच्छा है, कितना है? 1021। मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं? 1021 महिलाएं, तो इसका अच्छा है। अलीराजपुर, देखो वैसे भले ही पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन अलीराजपुर का जो लिंगानुपात है बहुत अच्छा है, कितना है? 1011, 1011 हजार, मतलब 1000 पुरुषों पे 1011 महिलाएं। थर्ड की अगर हम बात करें तो मंडला, मंडला जो है उसका लिंगानुपात है 1008, 1000 पुरुषों पे 1008 महिलाएं। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो डिंडोरी है, डिंडोरी में कितना है, तो 1002 पे 1000 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 1002 महिलाएं। अच्छा, इनको एक बार मैप में भी देख लेते तो क्लियर रहेगा। सेकंड, ओके, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का मैप, कहाँ चला गया। यहां से एक मैप तो देख ही लेते हैं, क्योंकि मैप की जरूरत तो पड़ेगी, तो इसको देख लेते हैं कहाँ गया मैप। तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश का मैप, और इसमें हम समझते हैं, इसको नीचे लटका देते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा कौन सा है, बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे है, तो ये दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये बालाघाट, कुछ ज्यादा नीचे बालाघाट दिखाई दे रहा है। अच्छा, उससे ऊपर क्या है, अलीराजपुर, अलीराजपुर ये वाला वार्ड है इधर, अलीराजपुर, ठीक है। तीसरा अगर आप देखोगे तो मंडला, मंडला जो दिखता है ना, कहाँ गया, सेकंड। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो गया हमारा, ये है बालाघाट, फिर अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये मंडला और यहीं पे डिंडोरी है, तो ये पास में दिखते हैं। वैसे ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया होता है वहां पर पॉपुलेशन अच्छी होती है महिलाओं की, क्यों, क्योंकि वहां पर वधु मूल्य होता है और ज्यादा लोड नहीं रहता है लोगों पे, उस तरह की सोच नहीं होती उनकी कि महिलाओं को ऐसा है उस टाइप के। तो ये हो जाएगा बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला और डिंडोरी, ये हो जाएगा चार। जब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, तो न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें, तो पहला आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट है भिंड, भिंड कितना है, 837 महिलाएं, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, 837 महिलाएं। फिर आता है मुरैना, मुरैना की बात करें तो इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 840 महिलाएं 1000 पर, 1000 पुरुषों पे 840 महिलाएं। तीसरा हम बात कर ले ग्वालियर की, तो ग्वालियर अगर आप देखोगे तो ग्वालियर में 864, 864 महिलाएं प्रति 1000 पे ग्वालियर। और फोर्थ की बात करें तो दतिया,
ये कितना है 873 प्रति हजार, और पांचवा हो जाएगा हमारे लिए शिवपुरी। तो शिवपुरी के लिए अगर आप देखोगे तो शिवपुरी का होता है 877 प्रति हजार रुपये। तो यहाँ से एक पहला तो ये समझ में आ रहा है भिंड, ये भिंड हो गया, ये मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया और शिवपुरी हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है सिंधिया जी वाला, तो ये जो है इसका लिंग अनुपात सबसे कम दिखता है हमको, ठीक है। और इनका लिंग अनुपात जो जनजाति वाला क्षेत्र है उनका लिंग अनुपात क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात हम कर चुके हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का, तो जनसंख्या घनत्व ये मध्य प्रदेश का है 236, 236 जनसंख्या घनत्व है ना। 1 किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल। कौन सा है, भोपाल। और उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 855 व्यक्ति है जो तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ओके, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है उनको देख लेते हैं पहले वाले। तो भोपाल का मैंने बता ही दिया है, भोपाल तो ये होता है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा हम बात करें तो इंदौर, इंदौर का कितना है, 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा देखोगे तो जबलपुर, जबलपुर जो है उसका है 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो ये है सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का। जब जिलों में बात करें तो हमारा सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है इसका है डिंडोरी का। डिंडोरी का कितना है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 94% रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। सेकंड अगर हम बात करें तो श्योपुर है, श्योपुर का कितना है, 104, 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। चलो एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो भोपाल का है। भोपाल कहाँ पे है, तो ये दिखाई देता है हमारा भोपाल। फिर सेकंड नंबर पे है इंदौर, इंदौर कहाँ है, ये इंदौर। तीसरे नंबर पे जबलपुर, जबलपुर ये जनसंख्या घनत्व वाले ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा डिंडोरी, डिंडोरी कहाँ है, ये है डिंडोरी। और फिर है श्योपुर, तो ये श्योपुर। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम इनका दिखता है हमको। आगे बढ़ते हम लोग। ओके, अच्छा बैतूल, रायसेन, सिवनी, इन सबका एक सेम ही होता है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बैतूल, रायसेन और सिवनी इनका जनसंख्या घनत्व देखें तो कितना आता है, 157 आता है। तीनों का सेम ही होते हैं। और दश की वृद्धि दर की बात करें तो दश की वृद्धि दर 10 साल में, जो 2001 से लेकर 2011 तक जितनी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे हुई थी, दश की जनसंख्या वृद्धि, तो मध्य प्रदेश की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है 20.3%, 20.3% है 10 की जनसंख्या वृद्धि। अच्छा, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई है अगर हम बात करें तो इंदौर, इंदौर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो झाबुआ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। न्यूनतम की अगर हम बात करें, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 साल में सबसे कम न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पे हुई है, तो ये अनूपपुर, कहाँ पे, अनूपपुर। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो बैतूल, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, अनूपपुर में है, और उससे कम कहाँ पर है, तो बैतूल में है, ठीक है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता, साक्षरता है मध्य प्रदेश की 69.3%, ये साक्षरता है हमारी। 100% तो हो ही नहीं सकती किसी की भी, लेकिन साक्षरता हमारी 69.3% ये साक्षरता है ना। और इसमें से पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है हमारी 78.7%, मतलब लगभग 80% पुरुष पढ़े लिखे होते हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं साक्षरता है 59.2%, ये हमारी साक्षरता है। सबसे सबसे साक्षर जिले हैं, सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करें, सर्वाधिक साक्षर जिले तो पहला हो जाएगा आपका जबलपुर। जबलपुर की साक्षरता सबसे ज्यादा है, कितनी है सबसे साक्षरता, 81.1%।
जबलपुर जो होता है वो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो इंदौर है, इंदौर भी सबसे ज्यादा साक्षर है, कितने है, 80.9%। उससे जबलपुर से सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है भोपाल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, फिर आता है बालाघाट और पांचवें नंबर पे आ जाएगा हमारा ग्वालियर। ठीक है, तो ये साक्षरता की बात कर लेते हैं। सबसे साक्षर जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, ये हमारे पास। मिनिमम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता राज्य, न्यूनतम साक्षर जिले मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षर जिले कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर वही मध्य प्रदेश में भी मान लो, चाहे देश में मान लो, सबसे कम साक्षर जिले अलीराजपुर है। सेकंड नंबर पे बात करें तो झाबुआ, झाबुआ है, इसकी भी साक्षरता बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, 43.3%। फिर आता है बड़वानी, बड़वानी की साक्षरता उससे थोड़ी सी ज्यादा है। श्योपुर और थार, लेकिन हमें किसको याद रखना है, मेनली हमें अलीराजपुर को याद रखना है कि अलीराजपुर जो है उसकी साक्षरता क्या है, सबसे कम है, फिर झाबुआ की थोड़ी सी ज्यादा है और बड़वानी की, वजह जबलपुर, इंदौर, भोपाल। अच्छा, ये जो भोपाल है ना, महिला साक्षरता में पहले नंबर पे है। पुरुष साक्षरता में अगर बात करो तो इंदौर, जबलपुर जो है टॉप पे है, इंदौर सेकंड पे है, भोपाल थर्ड पे है, मतलब लगभग यही क्रम है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें, पुरुष साक्षरता में जबलपुर फर्स्ट नंबर पे है, इंदौर जो है वो सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे भोपाल। ये पुरुष साक्षरता की बात हम कर रहे हैं। दूसरा अगर आप देखोगे महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में जो भोपाल होता है ना, वो पहले नंबर पे आ जाता है। भोपाल पहले नंबर पे आ जाता है, जबलपुर दूसरे पे और इंदौर तीसरे पे आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज हो जाता है सीक्वेंस। पुरुष साक्षरता में जबलपुर, इंदौर, भोपाल, एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। महिला साक्षरता में भोपाल पहले पे आ जाएगा, जबलपुर और इंदौर सेकंड थर्ड पे आ जाएंगे। न्यूनतम साक्षरता वाले जो पुरुष है, पुरुष में जो महिला पुरुष दोनों में अगर हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की ही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और पुरुष में सेकंड नंबर पे झाबुआ आता है, तो पुरुष में जो न्यूनतम साक्षरता है वो अलीराजपुर की है, फिर थोड़े झाबुआ की है। महिला की बात करें तो महिलाओं में अलीराजपुर और झाबुआ ही है, कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जिले वाइज सबसे बड़े जिले है ना, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले कौन कौन से, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले तो पहला हो गया छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ जी का है ना, छिंदवाड़ा। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो सागर और तीसरा हम बात करें तो शिवपुरी, तीन ही याद रखना है। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला है, सागर जो है वो सेकंड नंबर पे है और शिवपुरी कौन सा है, थर्ड नंबर पे है। ठीक है, क्षेत्रफल वाइज मिनिमम ना, क्षेत्रफल वाइज जो सबसे छोटे जिले हैं, क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले, छोटे जिले की बात करें क्षेत्रफल में तो कौन से हैं, तो ये हो गया निवाड़ी, निवाड़ी हो गया, सेकंड नंबर पे दतिया और थर्ड नंबर पे भोपाल। क्षेत्रफल वाइज जो सबसे छोटे जिले हैं उनकी बात करें तो ये, एक बार उनको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, सभी को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो ये है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, अरे ओके, ये यहाँ पे लिख रहा है छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल वाइज क्या है, सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन सा दिखता है, सागर, सागर कहाँ पे दिख रहा है, तो ये है सागर, ये फर्स्ट है, ये हो गया सागर सेकंड नंबर। तीसरा हम बात करें तो बैतूल, ये हरदा के जस्ट नीचे है, बैतूल ना, मैप छुप गया थोड़ा सा, बैतूल है थर्ड नंबर पे। अच्छा, जो न्यूनतम है क्षेत्रफल वाइज, जो न्यूनतम वाले एरिया वाइज जिले हैं वो कौन कौन से है, तो निवाड़ी, छतरपुर का एक पार्ट है ये, टीकमगढ़ से अलग किया है इसको, निवाड़ी न्यूनतम हो गया। फिर एक दतिया हो गया, दतिया हो गया सेकंड, ये फर्स्ट है सेकंड है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको देखते हैं, और क्षेत्रफल वाइज भी हो गया ना। लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अच्छा संभाग की बात करें, संभाग, तो संभाग में अगर आप देखोगे तो
तो लिंग अनुपात में देख रहे हैं ना, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा, लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा संभाग में किसका है, तो इंदौर संभाग जो है उसका लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम लिंग अनुपात, ठीक है, तो न्यूनतम लिंग अनुपात जो है वो है, लिंग अनुपात जो है सबसे न्यूनतम है नर्मदापुरम का, नर्मदापुरम, ठीक है। तो संभाग में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है, तो इंदौर जो है उसका, इंदौर संभाग जो है उसका लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, और नर्मदापुरम जो है उसका लिंग अनुपात क्या है, सबसे कम है। अच्छा एक और चीज है, हमारे पास अभी कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं, कितने 52 जिले हैं, कुछ और जिलों की भी बात कर रहे हैं बनाने की, तो टोटल 55 हो जाएंगे। अच्छा कौन से 3 जिलों की बात चल रही है, तो पहला एक चल रही है नागदा की, नागदा जो है उज्जैन से अलग करके इसको नया जिला घोषित करने की बात हो रही है। एक हो रहा है चाचौड़ा, जो गुना है, गुना से चाचौड़ा को अलग करके एक नया जिला बनाने की बात हो रही है। मैयर, मैयर जो है वो सतना, सतना से इसको अलग करके एक नया जिला बनाने की बात कर रही है। तो ये 3 जिले और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, टोटल 55 जिले बन जाएंगे हमारे पास। ओके कुछ और भी बात करते हैं, एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन अगर आप बात करोगे तो इंदौर में है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे उज्जैन, तो एससी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इंदौर और उज्जैन, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखें, एससी पॉपुलेशन देखें, लेकिन इस बार हम परसेंटेज वाइज देखें, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो सब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है उज्जैन में, ठीक है, और सेकंड नंबर पे दतिया, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी है दतिया, है ना, उसको भी याद रख सकते हैं। पॉपुलेशन में जो सबसे एससी पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इंदौर में है, सेकंड नंबर पे उज्जैन है। एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो दिख रही है परसेंटेज वाइज, सबसे सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज देखे हैं तो उज्जैन में सबसे ज्यादा है, फिर दतिया में परसेंटेज वाइज। न्यूनतम की बात अगर हम करें, न्यूनतम ना एससी पॉपुलेशन, न्यूनतम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, तो ये जो है झाबुआ, झाबुआ, झाबुआ में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है, ठीक है, और सेकंड है अलीराजपुर, अलीराजपुर यहाँ एसटी ज्यादा होते हैं, है ना, तो झाबुआ जो है वहां पे सबसे न्यूनतम है एससी पॉपुलेशन, और फिर अलीराजपुर, ठीक है, तो ये हमने दोनों देख लिया। और अगर परसेंटेज वाइज देखो, एससी पॉपुलेशन, न्यूनतम पॉपुलेशन एससी की परसेंटेज वाइज कहाँ पे होगी, तो न्यूनतम पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज भी आप देखोगे तो ये झाबुआ में दिखती है आपको, और सेकंड है अलीराजपुर। तो अगर न्यूनतम की बात करें तो चाहे वो ऐसे देखो चाहे परसेंटेज वाइज देखो, दोनों ही झाबुआ अलीराजपुर आता है, और सबसे ज्यादा की बात करें तो इंदौर उज्जैन आता है, यहाँ पर भी उज्जैन आ गया, ठीक है। ओके मध्य प्रदेश हो गया, लिंग अनुपात भी हमें पता है जीरो से, ओके अच्छा अलीराजपुर का लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, मतलब वैसे आपको वो एक ट्राइबल एरिया है, लेकिन उसका लिंग अनुपात कितना अच्छा है, 978 है, प्रति 1000 पुरुषों पे कितने हैं, 0 से 6 शिशु लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं, शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 978 प्रति 1000 पर है, ठीक है। सबसे कम नगरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे न्यूनतम ना, न्यूनतम नगरी जनसंख्या, नगरी जनसंख्या, नगरी जनसंख्या मतलब कहाँ पर है, यह है डिंडोरी में, न्यूनतम नगरी जनसंख्या कहाँ पे, डिंडोरी में है हमारे, ठीक है। अच्छा जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 26 लाख, उसमें एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी की पॉपुलेशन देखो तो 15.11% है, ठीक है, और एसटी की पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो एसटी पॉपुलेशन है 21.1%, तो जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसका 15.11% कहाँ है, एससी पॉपुलेशन है, और 21.1% क्या है, एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है। जिनके लिए कुछ सीट फिक्स कर रखी है, तो जैसे
एसटी, अच्छा एससी के लिए जिसे हमने देखा ना, तो वैसे एसटी के लिए भी हम देख लेते हैं कि एसटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे होगा, तो सर्वाधिक है पहला धार और सेकंड नंबर पे बड़वानी, एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये होता है भिंड और फिर रहते हैं मुरैना। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, भिंड एंड मुरैना, और अगर ऐसे देखोगे तो धार एंड बड़वानी। सॉरी थोड़ा गलती हो गया, सर्वाधिक की तो बात करें तो धार और बड़वानी में है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, लेकिन ये जो है ये परसेंटेज वाइज नहीं है, गलती हो गया। न्यूनतम, न्यूनतम जो है न्यूनतम आ जाएगा आपका एसटी पॉपुलेशन है भिंड में एंड मुरैना में न्यूनतम की। ठीक है, अच्छा प्रदेश का जो एकमात्र योजनाबद्ध शहर है, प्रदेश का एकमात्र योजनाबद्ध शहर कौन सा है, तो आप नाम बता ही सकते हो, मिनी मुंबई भी बोलते हैं उसको। प्रदेश का एकमात्र योजनाबद्ध नगर, योजनाबद्ध नगर जो है वो इंदौर है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया ये सब चीजें आपको। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इन सब चीजों को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।